खुशामदीद मोहतरम नाज़रीन, आप तमाम का एच के न्यूज़ में खैर मकदम है। आज बतारीख 16 अगस्त बरोज़ जुमा को बसफकलियान तालुका में जो बेड बालकुंडा रोड पर जो दत्त मंदिर है, उस मंदिर में जो सरावण का महीना है इसीलिए ये मंदिर में 7 दिन का प्रार्थना प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। इसीलिए आज ये मंदिर के महाराज दत्तात्री महाराज ने मीडिया से खुसूसी खिताब करते हुए बताया कि यहाँ पर आने से मन को शांति मिलती है, ऐसा उन्होंने कहा। आइए जानते हैं इस खसूस में मुकम्मल तफसीलात। पेश है बसफकलियान से नुमाइंदा रिपोर्टर शेख असलम की एच के न्यूज़ के लिए यह खसूसी रिपोर्ट। मज़ीद ताज़ा तरीन खबरों से अपडेटेड रहने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। सभी हमारे BK9 न्यूज़ लाइव मीडिया चैनल, सभी हमारे HK न्यूज़ 24/7 कर्नाटक महाराष्ट्र तेलंगाना में जर्नलिस्ट सूर्यवंशी, जैसा कि आज हम बीदर जिले के बसवकल्याण तालुके के बेट बालकुंदा ग्राम में आ चुके हैं। जैसा कि यहाँ पर श्री नवनाथ भक्तिसार जो पारायण लगाया है, यहाँ पर जो श्रावण मास में यहाँ पर जो प्रतिनित्य 7 दिन पारायण प्रारंभ हो चुका है, इस संदर्भ में जो दत्त महाराज है अभी हमारे BK9 न्यूज और HK न्यूज से आ रहे हैं। तमाम बीदर जिले के विशेष करके बसवकल्याण तालुका, हुलसूर तालुका, भालकी तालुका अवाम और जनता को उनका मैसेज क्या रहेगा, देखते रहिए BK9 न्यूज, HK न्यूज, हर कदम हर वक्त आपके साथ। जो श्री नवनाथ भक्ति सारे कार्यक्रम रखा है तो 7 दिन ये जो श्रावण मास के शुभ अवसर पर ये अपने कार्यक्रम प्रारंभ किया है, तो विशेष करके आपके बसवकल्याण बीदर हुलसूर जो बेट बालकुंदा ग्राम है, बेलूर है, जो खेड़े पाड़े के विशेष करके महाजनता को आपके शिष्यगण आपका मैसेज क्या रहेगा? मैसेज ये है, यहाँ से हम गंगापुर जाना पड़ता है और अपने बसवकल्याण तालुका में ये दत्तात्रेय मंदिर यही है। अब हम लोग यहाँ से जाके गंगापुर को पारायण नहीं कर सकते, कुछ व्यवस्था नहीं होती बोल के यहाँ हम लोग यहीं पे व्यवस्था करके पारायण का काम कर रहे हैं। तो कौन से तरीके से पारायण आप प्रारंभ कर रहे हैं? ये 7 दिन का पारायण होता है, तो गुरुचरित्र पारायण कर रहे हैं हम लोग। पहले इसके पहले गुरुचरित्र भी कर रहे हैं, अब नवनाथ पारायण चालू है और आने वाले दिसंबर में दत्त जयंती जब होने वाली है और भी और गुरुचरित्र पारायण करेंगे। सनातन धर्म की जितने भी लोगों के लिए ये श्रावण मास है, ये सबको इसका दर्शन का लाभ होना चाहिए बोल के सोच के कर रहे हैं। तो आप विशेष करके महाजनता को बसवकल्याण विशेष जितने भी आपके फॉलोअर्स है भक्तगण है उनको आपका मैसेज क्या रहेगा? लास्ट क्वेश्चन, मैसेज ये है बस आके सब लोग दर्शन करें और दत्त का दर्शन ले और सभी को ये गंगापुर समझ के ये लाभ ले, इस लोगों को अगर जाना ना हो तो यहाँ आके दर्शन कर सकते। तो जैसा कि महाराज ऐसा कहा जाता है कि श्रावण में क्या करना क्या नहीं, कोई गलत काम नहीं हो सकते, तो आपका मैसेज क्या रहेगा जनता में? श्रावण का महीना बहुत पवित्र माना जाता है, तो आपका मैसेज क्या रहेगा? नहीं, श्रावण यानी श्रवण है। एक्चुअली कैसा है, कुछ लोग देखो ये साल के 12 महीने तो ये निरंतर अपने संसार में काम तो लगा हुआ है, तो वो संसार छोड़ के 1 महीना अगर हम कुछ भक्ति पूजा पाठ करेंगे कम से कम कुछ व्यसन तो मुक्त हो जाएंगे। भले आने से ऐसा नहीं है कि आप मंदिर को आके व्यसन मुक्त हो जाओ, आने से एक समाधान भी मिलेगा, उस कारण से आपको थोड़ा सा 1 महीने के लिए अभी आप और समाधान रहेंगे, उससे और परिवर्तन होके परिवार में सुख शांति मिलेगी और दत्त प्रभु की कृपा होगी, ऐसा मैं सोचता हूँ। आपका नाम महाराज? बसवराज महाराज। तो अभी हमारे BK9 न्यूज और HK न्यूज 24/7 से महाराज जी ने स्पीच दिया है, अभी उनके भक्तगण हमारे BK9 न्यूज HK न्यूज से लाइव आ रहे हैं। सर आपका नाम? सर सर अंबाराय सैदापुर अंत सर। इल्ली दत्तपीठद ಒಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತ ಬಸವರಾಜ್ ಮಹಾರಾಜರು ಇವತ್ತು ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ಒಂದು ಪರಂಪರೆ, ಶ್ರವಣ ಮಾಸ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ಶ್ರವಣ ಮಾಡಬೇಕು, ದೇವರ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ, ದೇವರ ಸ್ತುತಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಕಿವಿಯಿಂದ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತಕಂತದ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅರಾಜಕತೆ ಉಂಟಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಧರ್ಮದಿಂದ ನಡಿಬೇಕು, ಹಿಂದೂ ಪರಂಪರೆ ಉಳಿಬೇಕು ಅಂತಕಂತ ಒಂದು ಅಪೇಕ್ಷೆಯಿಂದ ಈ ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ಈ ದೇವರು ಅಂತಕಂತ ಈ ಒಂದು ಭಕ್ತಿ ಭಾವ ಮೂಡಿಸತಕ್ಕಂತ ಆ ಮನೋಭಾವನೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಬಸವರಾಜ್ ಮಹಾರಾಜರು ಈ ಜನರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಶರಣರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ತಲೆ ಮಾಸಿದೊಡೆ ಮಜ್ಜನ ಮಾಡುವವರು, ಬಟ್ಟೆ ಮಾಸಿದೊಡೆ ಈ ಮಡಿವಾಳಿಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಬುವರು, ಮನದ ಮೈಲಿಗೆಯನ್ನ ನಾವು ತೊಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಂಥ ಗುರು ಚರಿತ್ರ ಪಾರಾಯಣ, ನವನಾಥ ಪಾರಾಯಣ, ಮಹಾತ್ಮರ ಶರಣರ ಸಂತರ ಅವರ ಒಂದು ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ ಓದುವುದೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಲ್ಮಶ ತೊಳೆದು ಶುಭ್ರವಾಗ್ತದ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಕ್ತಿ ಭಾವ ಹುಡ್ತದ, ನಮಗೆ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ಸಿಗ್ತದ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮನೋಭಾವನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಅವರಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ಕೊಟ್ಟು ಬಸವರಾಜ್ ಮಹಾರಾಜರು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರಿಗೆ ಅನಂತ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತೇನೆ.